राम राम जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। सर आपका नाम क्या है, एक बार दर्शकों को बताएं। मेरा नाम राकेश शर्मा है, और दर्शकों को मैं एक बार सबसे पहले दोबारा से राम राम करना चाहूँगा, और जो हमारे चैनल को देख रहे हैं गजब हरियाणा, उन सभी के दर्शकों को मेरी प्यार भरी राम राम। हाँ जी सर, आपने इस फिल्म इंडस्ट्री में क्या योगदान रहा, आपने क्या काम किया, एक बार हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले अपने करियर की शुरुआत मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से की थी, जिसमें मैंने DID में एक सीजन 6 में शो आया था, उसके थिएटर आर्टिस्ट चुन करके की थी। एंड देन लॉकडाउन के बाद काफ़ी सारी दिक्कतें आईं वहाँ पर, तो मैंने एक्चुअली हरियाणा ज्वाइन किया, और हरियाणा में मैंने अपना सबसे पहला सॉन्ग डायरेक्शन में दामन किया, 2019 में आया था दामन। वो आपने डायरेक्ट किया था सुनील पवार जी का और शिखा ठाकुर जी का, दामन कड़े गए वो झोल रहे दामन कड़े गए वो हरियाणा की टोल, वो वाला सॉन्ग किया था। और उसके बाद मैंने बहुत सारे सॉन्ग, देसी बामन, गैंगस्टर यार, और मूवी भी की प्यार के रंग, और देन उसके बाद मैंने आर्ट डायरेक्शन फील्ड में अपना पैर जमाया, आर्ट डायरेक्शन सीखी। तो मुझे आंसू जी से मुलाकात हुई, मेरी आंसू सर जी। आंसू जी से मुलाकात आपकी कैसे हुई सर? आंसू सर जी से मेरी मुलाकात सोशल मीडिया के तौर पे हुई, और मैंने इनकी वर्क प्रोफाइल फील्ड देखी, बहुत अच्छा मुझे लगा, और मैंने सोचा कि एक ही इंसान है जो हरियाणा में रेगुलर वर्क कर रहे हैं बेस पे, तो मुझे उनके साथ जुड़ना चाहिए, मुझे उनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। तो मैंने वहीं से अपने करियर शुरुआत की, मैंने उनके साथ अपनी सबसे पहली मूवी प्रधान जी की थी आर्ट डायरेक्शन के तौर पर, और उन्होंने मेरा काम बहुत अच्छा लगा। तो अब रेगुलरली मैं लल्लू की लव स्टोरी की, और आगे भी हम करते रहेंगे, देखो ऊपर वाले का सपोर्ट रहा तो। और बेसिकली मेरा तो आर्ट डायरेक्शन, और डायरेक्शन साथ साथ मैं जो एडिटर भी बनना चाहता हूँ, और देखते हैं क्या सहयोग रहता है। आने वाले आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनमें आपने काम कर रखा है, एक बार दर्शकों को जरूर बताएं। मैंने जो प्रोजेक्ट हैं